हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियाज हेल्दी किचन। दोस्तों, हर दिन सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में एक जनरल सा क्वेश्चन होता है कि आज खाने में क्या बनाएं या फिर आज खाने में क्या मिलेगा। आज मैं भी यही सोच रही थी, फिर अचानक मुझे याद आया कि मेरे एक फूडी फ्रेंड कब से मुझे बोल रहे हैं कि तुम अपने स्टाइल में लिट्टी चोखा की रेसिपी यूट्यूब पर डालो। तो आज उनके स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं बनाने जा रही हूँ बिहार का ट्रेडिशनल फूड लिट्टी चोखा। इसमें बहुत ही बेसिक सा इंग्रेडिएंट लगता है जो कि जनरली हर किचन में मिलता है, बट खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर बनाते हैं बिहारी स्टाइल में लिट्टी चोखा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बनाएंगे बैगन का चोखा। तो उसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए, एक बैगन बड़ा सा। अब देख रहे हैं, बैगन को देखते ही मन करेगा कि सबसे पहले इसका हम चोखा ही बना लें। बैगन, 3 टमाटर, ये 2 हरी मिर्च जो बुढ़ापे में घुस गया है पर आप अच्छे है 2 हरी मिर्च लीजिएगा, 1 प्याज और 5 से 6 लहसुन, ये 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल है, ये भुना हुआ जीरा पाउडर और ये धनिया पत्ता है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले हम बैगन को आग पर पकाएंगे। बैगन को आग पर पकाने से पहले इसके बीच में ऐसे छेद करके आप देख लीजिए कहीं बैगन खराब ना हो, और इसके अंदर लहसुन भी फिल करने में आसानी होती है। थोड़ा 4-5 बार इसे 4-5 साइड से काट लीजिए, इससे ये भी पता चल जाता है कि बैंगन अंदर ठीक है या नहीं ठीक है। हो गया। और अब इसमें मैंने इसमें 4 बार कटिंग किया बैंगन को ऐसे। अब इसके अंदर मैं लहसुन फिल कर देती हूँ। लहसुन बैंगन के अंदर अच्छे से पक जाएगा। तो ये मैंने 6 लहसुन की जो कलियां ली थी छिलकर इसे इस तरह अंदर भर दिया, मैंने इसे भर दिया है। तो बैगन को सबसे पहले आग में पकाएंगे। इसके लिए गैस ऑन, और अब इसके ऊपर ये बैगन अच्छे से सेट कर दिया, और अब इसे मीडियम से लो फ्लेम पर इसे पकने देते हैं, और बीच बीच में पलट कर देखेंगे कि ये जल ना जाए, अच्छे से पक जाए। देखिए बैगन कितने अच्छे से पक गया है, छिलका भी इससे निकलने लगा है। तो इसी तरह आपको भी पकाना है अच्छे से, क्योंकि अगर बैगन पका नहीं तो ये ठीक से इसका चोखा बनेगा नहीं, और खाने में भी कच्चा कच्चा फीलिंग आएगा। तो ये देखिए अच्छे से पक गया है, फिर भी मैं इसे 2-4 मिनट अच्छे से और अच्छे से पकाऊंगी ताकि इसमें इसके अंदर जो लहसुन है वो भी ठीक से पक जाए। दोस्तों, बैगन बिल्कुल अच्छे से पक गया है हर तरफ से। तो गैस फ्लेम में बंद कर देती हूँ, और बैगन को ये थाली में रख के इसे ठंडा होने देते हैं, तब इसे छीलेंगे। तो जब तक ये बैगन ठंडा हो रहा है तब तक मैं इस पर अब टमाटर पका लेती हूँ। तो टमाटर को पकने के लिए डालने से पहले इसमें बिल्कुल हल्के हाथों से बहुत ज़्यादा कटिंग कर देंगे तो इससे निकलने लगेगा टमाटर का रस। तो अब हल्के हाथों से फिर सिर्फ इस पे लाइनिंग कर देनी है, जिससे कि जब आप टमाटर पकने के बाद छीलेंगे तो आपको छीलने में आसानी होगी। तो हल्के हाथों से बिल्कुल ऐसे लाइनिंग कर देनी है इस पे। बिल्कुल ऐसे हल्के हाथों से लाइनिंग कर दिया है मैंने। और अब मैं टमाटर को भी इसी तरह
कलर पलट के अच्छे से पका लेती हूँ। इसको भी ऐसे पलट पलट के अच्छे से पका लेना है। आप देख रहे हैं, ये मैंने जो इस पे लाइनिंग किया था टमाटर पे, तो इसकी वजह से छिलका अपने आप अलग होते जा रहा है। तो टमाटर अच्छे से पक गया है, चारों तरफ मैंने हर साइड चीज़ से पका लिया है। थोड़ा सा एक मिनट और इसे, एक दो मिनट पकाऊंगी ताकि किसी भी साइड से कच्चा ना रहे। तो टमाटर अच्छे से पक गया है और अब मैं गैस फ्लेम को बंद कर देती हूँ और अब बैंगन के साथ इसे भी ठंडा होने देती हूँ। तो जब तक बैंगन और टमाटर ठंडा हो रहा है तब तक हम लिट्टी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो लिट्टी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, इस चम्मच से मैंने 8 चम्मच सत्तू लिया है, 2 प्याज है, 1 हरी मिर्च है। मिर्च आप ज़्यादा या कम ले सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता हो मिर्ची। ये 2 नींबू, और अगर आपके पास नींबू नहीं हो तो इसके लिए आप आम के अचार का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि लिट्टी को थोड़ा खट्टा करना है तो इसके लिए आप आम का अचार भी यूज़ कर सकते हैं। ये अदरक लिया है, ये अजवाइन है, ये अजवाइन मैंने इस चम्मच से 1 चम्मच लिया है। तो अब मैं प्याज, हरी मिर्च और अदरक को बारीक काट लेती हूँ। मुझे प्याज, अदरक और मिर्ची जो है बारीक चाहिए कटा हुआ, तो इसके लिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, कटर का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर हाथ से बारीक काट सकते हैं तो अच्छे से बारीक इसे आप काट लीजिएगा। प्याज डाल दिया है, हरी मिर्च, मिर्च थोड़ा सूख गया है, आप अच्छा मिर्च यूज़ करिएगा। ये अदरक, और अब मैं इन सबको अच्छे से बारीक काट लेती हूँ। ये देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक प्याज, अदरक, हरी मिर्च इन तीनों को बहुत ही बारीक मैंने काट लिया है कटर की हेल्प से। और अब मैं इसे इसमें मिक्स कर देती हूँ। और अब इसमें नमक 1 चम्मच डाला है, 1/2 चम्मच और, तो 1.5 चम्मच इस चम्मच से नमक, क्योंकि चोखा में भी नमक होगा तो इसीलिए नमक थोड़ा अपने हिसाब से आप डालिएगा। और ये अजवाइन, और नींबू, अभी मैं ये 1 नींबू काट के रखा है, ये 1 नींबू डालूंगी। अब डिपेंड करता है कि नींबू में कितना रस है, अगर 1 नींबू में भी पूरा अच्छे से रस निकल गया तो दूसरा नींबू नहीं डालना है, और अगर 1 नींबू में रस नहीं निकला अच्छे से तो दूसरा नींबू यूज़ करूंगी। सत्तू को जब ये सब मिक्स कर लीजिए तब थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए कि क्या थोड़ा सा इसमें खट्टापन आया है या नहीं आया है। तो उस तरह इसको थोड़ा टेस्ट करके चेक करना पड़ेगा कि सत्तू खट्टा हुआ है या नहीं हुआ है। नींबू से रस तो अच्छा निकल गया। लेकिन फिर भी मैं अभी इसमें 1/2 नींबू और काट के मिलाऊंगी। अभी बहुत जितना मुझे चाहिए उतने अच्छे से इसमें खट्टापन नहीं आया होगा जितना रस निकला है, तो इसके लिए मैं 1/2 नींबू और काट के इसमें मिक्स करूंगी। ये 2 टुकड़ा मैं नींबू का और यूज़ करूंगी, और इसे मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो ये दोनों फिर रस निकाल लेते हैं।
अब ये बिल्कुल परफेक्ट खट्टा हो गया होगा जितना मुझे चाहिए था। तो अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। अब मैं इन सबको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा जैसे कि हर तरफ से ये अच्छे से मिल जाए। ऐसे ऐसे करते हुए आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। ये मिक्स तैयार है और अब लिट्टी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। दोस्तों मैं उतना ही आटा लूँगी जिससे कि 8 से 10 लिट्टी बन जाए। अगर आपको ज़्यादा लिट्टी बनाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग आटा लीजिएगा। तो मैं ये 2 से 2.5 कप आटा लूँगी जिसमें कि छोटे छोटे लगभग 8 से 10 लिट्टी बन के तैयार हो जाएगा। और अब मैं इसमें ये अजवाइन 1 चम्मच और ये 1.5 चम्मच अजवाइन डाला मैंने। और क्योंकि दोस्तों चोखा में भी नमक है और सत्तू में भी नमक है तो इसलिए आटे में नमक आप बहुत 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 ही थोड़ा सा डालिएगा। तो इसलिए मैं 1/2 चम्मच, मेरा चम्मच आप देख रहे हैं कितना छोटू सा चम्मच है, इस चम्मच से मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है। और अब मैं इसमें ये शुद्ध घी डालूंगी 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। शुद्ध घी डालने से ये खस्ता बनता है। अब इसे पानी से जितना ज़रूरत होगा उतना पानी डाल के इसे अच्छे से आटे को गूंथ लेंगे। 1 ग्लास पानी लिया है बट जितना ज़रूरत होगा उतना ही मैं इसमें यूज़ करूँगी। आटे को बहुत ज़्यादा लूज नहीं गूंथना है दोस्तों, इसे थोड़ा टाइट ही रहने दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने आटा गूंथ लिया है, बहुत ही सॉफ्ट बहुत अच्छे से इसे गूंथा है मैंने। और आप ये देख सकते हैं मैंने इसे बहुत लूज भी रखा है, टाइट है। आटे को बिल्कुल लूज नहीं करना है, थोड़ा टाइट रखना है इसको। और अब इसे 1 से 2 मिनट, बस 1 से 2 मिनट इसे ढक के छोड़ देंगे और 1-2 मिनट बाद इसे आप लिट्टी तैयार करेंगे। तो दोस्तों 2 मिनट हो चुका है, अब आइए इसका लिट्टी बनाते हैं। ये मैंने सूखा आटा ले लिया है जिससे कि ये आटा हाथ में चिपके नहीं और आराम से बन जाए। ये इतना बड़ा बड़ा लोई लेना है, इसको ऐसे आटा में करके ऐसे हर तरफ से ऐसे गोल गोल इसे घुमाते हुए इसको फैलाना है। गोल गोल घुमाते जाइए आप साइड में ऐसे ऐसे और ये बड़ा होता जाएगा। ये हो गया। और अब मैं इसमें सत्तू भरूंगी, ये 2 से करीब 2 चम्मच इसमें सत्तू आ गया। और इसे ऐसे बंद कर देना है, बस बंद करके इसको ऐसे गोल कर देना है। बस कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, इसका मुंह ऐसे बंद हो जाना चाहिए ताकि सत्तू निकले नहीं। और ये लिट्टी तैयार हो गया। इसी तरह बाकी लिट्टी को भी तैयार कर लेंगे हम। ये टोटल 10 लिट्टी मैंने बनाया है जितना आटा गूंथा था। और इससे ये 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच के करीब ये सत्तू बच गया है। बैगन और टमाटर बिल्कुल ठंडा हो गया है तो इसे मैं छील लूँगी। ये जब भी आप छिलका उतारेंगे तो ये छिलका हाथ में चिपकेगा, तो इसके लिए आप एक बाउल में पानी ले लीजिए
और छिलका उतारते हुए ऐसे ऐसे हाथ में चिपक जाता है तो इसमें धुल लीजिए। देखिए कितने अच्छे से छिलका उतर रहा है। इसी तरह जब अच्छे से पकेगा तो छिलका बहुत इजीली ये निकल जाता है। इसी तरह बाउल में हाथ धोते हुए मैं ये सब छील लेती हूँ। मैंने बैगन अच्छे से छील लिया। अब देखें कितने अच्छे से कितने परफेक्टली बैगन छिल गया मेरा। और इससे मैंने जितना लहसुन डाला था ये निकाल लिया है। और अब इसी तरह टमाटर को भी छील लेती हूँ। देखिए जो मैंने टमाटर पे लाइनिंग किया था उसकी वजह से छिलका बहुत ईजिली निकल जा रहा है। कितने जल्दी ये छिलका अच्छे से निकल गया है, देख रहे हैं? ये देखिए छिलका ये कितने इजीली निकल रहा है। बैगन और टमाटर मैंने अच्छे से छील लिया है और अब इसको मैश कर लेती हूँ। ये पहले हाथ से इस तरह इसको अच्छे से निकाल लेते हैं। बैगन बहुत परफेक्टली पक गया है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इसको मैश करने में। इस तरह हाथों से अब इसे मैश कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें बैगन टमाटर और लहसुन अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें मैं ये एक प्याज चोखा के लिए रखा था मैंने अच्छे से इसमें काट लेती हूँ। प्याज और ये हरी मिर्च इसे मैं अच्छे से काट लेती हूँ। मैंने इसे अच्छे से काट लिया है इसकी कटर की हेल्प से और अब ये मैं चोखा में मिला देती हूँ। ये मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च काट के डाल दिया है और अब इसमें नमक आधा चम्मच है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप नमक ले सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा और नमक लिया और एक चम्मच और ये दो चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल मिलाया है। एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर एक चम्मच और, तो लगभग दो चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है। ये धनिया पत्ता जो मैंने काट के रखा था और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आपको अगर अच्छा बिल्कुल बिहारी चोखा चाहिए तो आपको अच्छे से हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। चम्मच से ये बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो चोखा जितने अच्छे से हाथ से मिक्स होगा चम्मच से उतने अच्छे से होता नहीं है। इसे अच्छे से मैंने हाथ से मिक्स कर लिया है और ये रहा लिट्टी का चोखा तैयार हो गया। अब चलिए फिर लिट्टी बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने ये कढ़ाई ले लिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कढ़ाई में आप कैसे बिना तले बिना ऑयल के आप लिट्टी को तैयार कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं तल के जो है लिट्टी बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही जल्दी बनता है और वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये भी टेस्टी लगता है लेकिन इसके लिए आपको शुद्ध घी की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास शुद्ध घी है तो अच्छा है, नहीं है तो आप रिफाइंड में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करिएगा। अगर आपके पास शुद्ध घी नहीं है तो आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करिएगा।
सरसों के तेल का यूज़ करिएगा, बेहतर होगा। ये मैं शुद्ध घी ये 2 चम्मच सिर्फ 2 चम्मच इसे दिया है, चारों तरफ फैलाऊंगी। अभी इसे अच्छे से फैला लेना है। बस इतना ही घी इसमें यूज करूंगी और अब इसे ऐसे नीचे से घी लगाते हुए ऊपर करते जाना है। कढ़ाई ज्यादा गर्म हो गया तो हाथ का यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं कढ़ाई गर्म होने के पहले ही इसको सेट कर देती हूँ, जिससे कि फिर ये अपना होता रहेगा। आप इसे अवन में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास अवन है तो इसको ऐसे ही घी लगा के और इसको अवन में आप रख दीजिए। अब कढ़ाई गर्म हो गया है, अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देती हूँ। इसको अब मैं ढक दूंगी। तो दोस्तों इसको ढक दिया है और लो फ्लेम पर इसे पकने देते हैं, और हर 2 से 3 मिनट पे आके पलट पलट के इसको चेक करते रहना। इसको बिल्कुल छोड़ नहीं देना है, हर 2 से 3 मिनट पे इसको पलट पलट के चेक करते रहना है। तो दोस्तों 2 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं इसको। वाह, बहुत अच्छे से बन रहा है ये। इसी तरह सब पलट देंगे। बहुत अच्छी से तैयार हो रहा है दोस्तों, और सबसे अच्छी बात है कि आप कहीं किसी शहर में कहीं पे भी हो, आप इस इजी मेथड से आप इजीली आप घर पे लिट्टी चोखा बना सकते हो। और अगर आप इसको तल के खा सकते हो तो आप इसे मस्टर्ड ऑयल में तल लो, बहुत जल्दी ही तल के तैयार हो जाता है। और आप इसे अब इसे मैं ढक देती हूँ और फिर 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो दोस्तों 2 मिनट हो गया है, फिर इसे चेक कर लेते हैं। ऐसे ही हर 2 मिनट पे आप इसे चेक करते रहिए। और इसको हर साइड से आप पका लीजिएगा। ये मैंने घी रखा हुआ है शुद्ध घी, इससे शुद्ध घी से इसको ब्रशिंग भी करते जाएंगे, जिससे कि खाने के समय एक्स्ट्रा काम नहीं रहेगा, क्योंकि लिट्टी को शुद्ध घी में लपेट कर ही सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगता है शुद्ध घी में लपेटा हुआ लिट्टी। अगर आपको इतना घी पसंद नहीं है तो आप घी कम कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध घी लपेट कर लिट्टी ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप देखेंगे कि लिट्टी जो भी आग में भी पकाया हुआ होता है उसे भी शुद्ध घी लगा कर ही सर्व करते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा फ्लेम को तेज करूंगी। मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब मीडियम फ्लेम पर मैं इसे हर तरफ से पका लूंगी, क्योंकि इसे ढककर मैंने पकाया था तो आटा अच्छे से पक गया है। अब इसे सिर्फ चारों साइड से, हर साइड से इसे पलट पलट के अच्छा क्रिस्पी करना है, तो इसलिए मैं इसे मीडियम फ्लेम पर करूँगी। बस और 2 से 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर करके और फिर इसे निकाल लूँगी। तो दोस्तों ये लिट्टी हर तरफ से मैंने घुमा घुमा के इसको अच्छे से सेक लिया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छे से हो गया, देखिए चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से ये बन गया है लिट्टी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों ये। आप मुझ पे यकीन करें ना करें, आप खुद घर पे बनाइए इसे और तब ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों खाने में।
तो इसी तरह अब मैं बाकी का भी ये लिट्टी तैयार कर लेती हूँ। लो फ्लेम पर इसी तरह इसको रख देना है। इसी तरह इसमें भी घी लगा लेंगे। अब डिपेंड करता है, आप जब सर्व कर रहे हो तब आप घी लगा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सर्विंग के समय भी घी इसमें लगा सकते हो। जैसे इस समय मैं लगा ले रही हूँ, इजी होता है बनाना। बहुत अच्छे से लिट्टी बन गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं चारों तरफ से। अब मैं इसे निकाल लूँगी, गैस बंद कर देती हूँ। गैस बंद कर दिया है, इसे निकाल लेते हैं। बस हो गया लिट्टी चोखा तैयार। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। दोस्तों बिहारी लिट्टी चोखा बिल्कुल तैयार है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो आप इसे घर पे ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। अगर आप इस तरह लिट्टी चोखा ऐसे नहीं बना सकते हैं तो आप इस लिट्टी को मस्टर्ड ऑयल में तल के भी निकाल सकते हैं, वैसे बहुत टेस्टी बनता है। शुद्ध घी लगा के इसे सर्व करिए।